डियर स्टूडेंट, आज हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। हम बहुत अच्छे से जानते हैं जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए उनका कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो डायरेक्शनल कैरेक्टर के होते हैं, इसलिए उनका हाइब्रिडाइजेशन होता है। और जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं वो भी डायरेक्शनल कैरेक्टर शो करते हैं, इसलिए उनका भी हाइब्रिडाइजेशन होता है। हम इस वीडियो में कोवेलेंट कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन किस तरह निकाला जाता है, किस तरह डिटरमाइन होता है, वो हम सीखते हैं। देखिए, उसके लिए आपको सबसे पहले ये डिजिट पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप देखें, ये 2 डिजिट पर एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है, 3 पर SP2 होता है, 4 पर SP3 होता है, 5 पर SP3D होता है, 6 पर SP3D2 होता है, 7 पर SP3D3 होता है। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। 2 पर SP, 3 पर SP2, 4 पर SP3, 5 पर SP3D, 6 पर SP3D2, 7 पर SP3D3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए हमको इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यू हैव टू चूज इनिशियल एटम ऑफ द कंपाउंड फॉर हाइब्रिडाइजेशन एंड राइट देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंपाउंड दिया जाता है तो जो उसका इनिशियल एटम होता है, यानी जो स्टार्टिंग एटम जो होता है, उसको हम चूज़ करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए और उसके ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं। दूसरा पॉइंट है, ऑक्सीजन ऑलवेज अटैच्ड बाय द डबल बॉन्ड एंड अदर एलिमेंट्स एड बाय द सिंगल बॉन्ड। यानी इस ट्रिक में जो ऑक्सीजन है वो हमेशा डबल बॉन्ड से अटैच होगा, बाकी जितने भी एलिमेंट जो आते हैं वो सब सिंगल बॉन्ड से आपको अटैच करना है। ये तो हो गई ट्रिक। इसको यूज़ कैसे करते हैं? इसको यूज़ करने के लिए अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए इन एग्जांपल को। जैसे मान लो हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं, ये मैंने लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल, और फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर BF3। हम जानते हैं इस BF3 कंपाउंड का इनिशियल एटम कौन है? बोरॉन। यानी कि ये देख सकते हैं आप, बोरॉन। इस बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 5। अब हमने ट्रिक में क्या बात की थी कि किसी भी कंपाउंड के स्टार्टिंग में जो एटम होता है उसको चूज़ करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो इस BF3 कंपाउंड का जो इनिशियल एटम है वो कौन है? बोरॉन। हमने इसको चूज़ कर लिया, इसका एटॉमिक नंबर हमको पता है कितना है, 5। अब हम इसका क्या करेंगे कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको लिखेंगे। आपको पता है 2 शुरू में आएगा, बाद में आएगा 3, तो ये जो 3 है ये आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम लोग कह सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बस यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसको कि हमको यूज करना है। देखिए यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह से यूज करते हैं हम लोग। हमने बोरॉन लिखा और इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन है उनको हमने ऐसे लिख दिया, 1, 2 और ये 3। फिर मैंने आपसे कह रखा था ऑक्सीजन ऑलवेज अटैच बाय द डबल बॉन्ड एंड अदर एलिमेंट्स एड बाय द सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ अगर हम इस ट्रिक को देखें तो यहाँ पर BF3 में F है, यानी ऑक्सीजन नहीं है, तो इस F को हम सिंगल बॉन्ड से एड कर सकते हैं, ये हमने एड कर दिया। अब एक ट्रिक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ हाइब्रिडेशन निकालने के लिए। ये देखिए यहाँ पर ये है हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रिक को देखिए,
लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर ये ट्रिक कब काम करती है? जब कंपाउंड में ओनली सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है? जब कंपाउंड में क्या हो, ओनली सिंगल बॉन्ड हो, तो ये ट्रिक काम करेगी। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। इसमें इस एग्जांपल में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, तो आपने क्या लिख दिया? जीरो। ये सब जो सिंगल बॉन्ड हैं इनको मैंने माना है यहाँ पर बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? थ्री। ओवरऑल कितना हो गया? थ्री। और थ्री पर आपको पता है, इधर देखिए, थ्री पर, यहाँ थ्री पर क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि थ्री पर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ चुका है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें लोन पेयर आ सकता है, देखिए, और वो है यहाँ पर NH3। इस NH3 में जो इनिशियल एटम है वो है नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे कितने? 5। ये देखिए, ये 5, इस 5 को मैंने इस तरह लिख दिया, ये देखिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है। हाइड्रोजन है इसका मतलब ये है कि सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर H H H, इस तरह से मैंने सिंगल बॉन्ड से अटैच इसको कर दिया। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक, ये देखिए, ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर। ये हो गया लोन पेयर। बाकी ये जो तीन आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए 1 दैट इज़ अ 2 दैट इज़ अ 3, ये हो गए बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर हमको नज़र आ रहा है यहाँ पर 1, बॉन्ड पेयर हो गए यहाँ पर कितना? 1 2 3 3, टोटल हो चुका है 4। और 4 पर जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो आ चुका है sp3। इसी तरह से हम एक अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पर है pcl5, ये देखिए। तो इस pcl5 में इनिशियल एटम कौन है? P यानी फास्फोरस। हमको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं कितने? 5। ये 5। अब यहाँ जो ये 5 है, इस 5 को मैंने इस तरह लिख दिया, ये देखिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ क्या है? यहाँ Cl है, ऑक्सीजन नहीं है, Cl है, यानी कि सिंगल बॉन्ड से आपने इसको अटैच कर दिया। ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये और यहाँ इस तरह से। अब ट्रिक मैं आपको बताया था थोड़ी देर पहले, मैंने बताया था कि हाइब्रिडेशन इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर ये ट्रिक कब काम करती है? जब कंपाउंड में ओनली सिंगल बॉन्ड है। आप जरा देख सकते हैं यहाँ ओनली सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिंगल बॉन्ड ही है, इसलिए ट्रिक लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर यूज होगी। अब लोन पेयर आपको नजर आ रहा है ही नहीं, जीरो। और यहाँ पर बॉन्ड पेयर को अगर हम देखें तो यहाँ है 5। ओवरऑल होता है कितना? 5। और 5 पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d, ये देख सकते हैं आप, ये sp3d हो। अब मान लो ये तो बहुत सिंपल से एग्जांपल है, अब हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे इस एग्जांपल को देखें आप, NH4 ये पॉजिटिव यानी अमोनियम आयन। अब यहाँ शुरुआत में हम नाइट्रोजन लेते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 7। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? ये 5, ये 5। अब यहाँ पर जो चार्ज है ये +1 चार्ज है, तो आपको इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को जो है माइनस करना है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं तो अब आपके पास कितने बचे? 4, ये 4 बचे। तो अब आप सबसे पहले सेंट्रल एटम यानी कि नाइट्रोजन को लिखेंगे और यहाँ 4 1 2 3 4 इस तरह आपने लिख देना है। फिर इसके जस्ट बाद आपको पता है कि यहाँ हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ पर H H H सिंगल बॉन्ड से आपको अटैच करना है। कंपाउंड में आपको पता है कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो आप ट्रिक यूज़ करेंगे लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर।
लोन पर देख सकते हैं आप, यहाँ है ही नहीं। लोन पर ऐसा होता है स्टूडेंट्स, देखिए लोन पर ऐसे होता है, यहाँ लोन पर है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 4, टोटल हो जाएगा 4, और 4 पर हाइब्रिडाइजेशन निकलता है sp3। किसी भी कंपाउंड पर प्लस चार्ज अगर आता है तो आपको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतने इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है आपको। और अगर मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव आ जाता है, CO3 2 नेगेटिव, जैसे ये कार्बोनेट आयन है, यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है कार्बन, आपने 6 लिखा, इसके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 है। अब बिकॉज यहाँ पर देखिए माइनस है, तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करना है, 2 को ऐड करना है, बिकॉज चार्ज यहाँ पर 2 था, माइनस चार्ज है, तो आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करना है। और प्लस में क्या करना है आपको, कम करना है, यानी डिक्रीज करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पर आपने +2 ऐड कर दिए, तो यहाँ पर कार्बन पर अब इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कितने, 6। ये देखिए 6 हो चुके हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6। हमने ट्रिक में पहले ही पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन ऑलवेज अटैच बाय द डबल बॉन्ड एंड अदर एलिमेंट्स ऐड बाय द सिंगल बॉन्ड। यहाँ हमें नज़र आ रहा है इस एग्जाम्पल में, ये देखिए कि यहाँ ऑक्सीजन है तो हम उसको डबल बॉन्ड से अटैच कर देंगे, ये हमने डबल बॉन्ड से अटैच कर दिया, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, ठीक। अब मान लो किसी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड अगर आता है या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो ट्रिक फिर चेंज हो जाएगी, फिर ट्रिक होगी यूज़ ये वाली, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, ये वाली ट्रिक यूज़ होगी। ये आप ध्यान रखें कि जब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किसी भी कंपाउंड में आपको नज़र आता है दो एटम के बीच में, तो आपको ये वाली ट्रिक यूज़ करना है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एक बात और याद रखने की ज़रूरत है कि जहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ बॉन्ड पेयर आपको नहीं काउंट करना है, आपको सिर्फ वहां पर सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, यहाँ पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, इस तरह मैंने लिख दिया, यानी आप ये समझ सकते हैं कि एक डबल बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होता ही है। तो ट्रिक में देखिए यहाँ लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर भी आप देख सकते हैं, मैंने कहा आपको कि जहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ बॉन्ड पेयर नहीं ये काउंट करना है, होता ही नहीं है वहाँ पर, है ना, आपको सिग्मा बॉन्ड के थ्रू काउंट करना है उसको। तो यहाँ पर आपने 0 लिख दिया, सिग्मा कितने हो गए यहाँ पर, 3 हो गए, ये देखिए 3। ओवरऑल कितना हो गया, ओवरऑल हो गया यहाँ पर 3, और 3 पर आपको पता है कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक। अब ये जो आपको सबसे बड़ी बात ये है कि आपको यहाँ पर ये जो पॉइंट है, जैसे 2 पर sp 3 पर sp2, 4 पर sp3, 5 पर sp3d, 6 पर sp3d2, 7 पर sp3d3, ये हाइब्रिडाइजेशन होता है, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ चुका है। अब ये टेबल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस टेबल को आप ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है sp में लीनियर ज्योमेट्री होती है, ये देख सकते हैं आप, ये लीनियर ज्योमेट्री है, एंगल इसका 180 डिग्री होता है। sp2 में ट्राइगोनल ज्योमेट्री होती है, ये 120 डिग्री का एंगल होता है, और इसकी ज्योमेट्री ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको 3 लॉब्स नज़र आ रही हैं, जबकि लीनियर में आपको यहाँ पर 2 लॉब्स नज़र आ रही हैं। फिर sp3 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, इसका एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, इसकी ज्योमेट्री आपको यहाँ ये नज़र आ रहा है, इसका शेप जो है आपको यहाँ ये नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको 4 लोब्स नज़र आ रहे हैं। फिर ये sp3d है, ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये देखिए यहाँ पर ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, एंगल इसी से काउंट होता है, ये 120 का और ये 90 का। फिर ये sp3d2 है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल यानी कि ये, इसमें एंगल कितना है 90 डिग्री का। इसी तरह से sp3d3,
ये पेंटाकोनिकल बाइपिरामिडल, इसकी ज्योमेट्री है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये पेंटागोनल भी कह सकते हैं इसको या पेंटाकोनिकल भी कह सकते हैं। तो पेंटाकोनिकल और जो स्ट्रेट लाइन गई है इसको हमने कहा बाइपिरामिडल। ठीक, इसमें एंगल कितना होता है, 72 डिग्री, 90 डिग्री। स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसके अंदर कि सर एंगल कैसे याद किया जाए। तो एंगल सिंपली आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आपको पता है कि सर्कल जो होता है 360 डिग्री, तो आपको यहाँ पर ये काउंट करना है कि यहाँ पर लोब्स कितनी है, यहाँ पर दो लोब्स हैं, 360 को आपको 22 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर 120 आ जाएगा। यहाँ पर ये थ्री लोब्स हैं तो आप उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये वाला एंगल आपको याद करना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली, बिकॉज इसके अंदर फोर लोब्स हैं इसलिए आपको ये एंगल याद करना पड़ेगा, बाकी मैं एंगल आपको याद करा देता हूँ। यहाँ देखिए, ये यहाँ पर कॉर्नर्स जो हैं थ्री हैं, आप 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 आ जाएगा, और स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये 90 आ ही गया है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं फोर कॉर्नर हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ जो सामने आपको नज़र आ रहा है फिलहाल तो यहाँ ये फोर ही नज़र आ रहा है आपको, है ना, ये थ्री डायमेंशन होते हैं इसलिए इसका ऑक्टेटल ज्योमेट्री होती है। तो आपको फोर से डिवाइड करना है यहाँ पर तो क्या 90 डिग्री, और स्ट्रेट लाइन भी 90 डिग्री, तो ओवरऑल क्या हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल आपका आ चुका है। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पैंटाकोनिकल या पैंटागोनल बाई पिरामिडल, इसको आपको 5 से डिवाइड करना है, यानी 360 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 72 डिग्री एंगल आएगा, और स्ट्रेट लाइन क्या होती है, 90 डिग्री की होती है। ठीक, तो कुल मिलाकर इस ट्रिक से अब आपको हाइब्रिडेशन निकालना आ गया। देखिए ये बी एफ थ्री का हाइब्रिडेशन आपको पता चला कि इसका हाइब्रिडेशन जो है ये sp2 है। अगर sp2 हाइब्रिडेशन bf3 का आ रहा है तो आप इस sp2 में देखें कि इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल होगी, एंगल होगा 120 डिग्री। इसी तरह से अगले एग्जांपल को हम देखें, यहाँ पर pcl5 की बात करते हैं, तो pcl5 में जो हाइब्रिडेशन आया है वो आया है sp3d। अब जब ये sp3d आया है तो इस sp3d को आप इस टेबल में देखें, sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी और एंगल हो जाएगा 120 एंड 90 डिग्री, ये इसका क्या हो गया, एंगल हो गया। तो ये जो ट्रिक आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये जो ट्रिक आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कोवलेंट कंपाउंड के हाइब्रिडेशन को निकालने के लिए इस ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको ज्योमेट्री की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और ना ही एंगल का कोई प्रॉब्लम रहेगा, और ना ही आपको रटना पड़ेगा। आपको निकालना आ चुका है कि हाइब्रिडेशन जो है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आपको जो एग्जांपल बताए थे BF3 का, आपको जो है ये क्लियर हो चुका है, PCl5 का भी क्लियर हो चुका है, NH3 का भी क्लियर हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पर ये अमोनियम आयन ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा, और CO3 2 नेगेटिव यानी कार्बोनेट आयन, इसका भी क्लियर आपको हो चुका होगा। अब दो एग्जांपल और ले लेते हैं इस ट्रिक में, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है। जैसे आप इस एग्जांपल को देखें, इस एग्जांपल को देखें आप, जैसे ये है C2H4, ये है इथिन यानी कि इथाइलिन, और C2H4 में आपको करना क्या है, ये देखिए कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन कितने हैं, फोर हैं, इस फोर को आप 2 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आया, ये 2 आ गया। इसका मतलब ये निकला कि आप कार्बन को लिखेंगे, आपने एक कार्बन को लिख लिया, फिर आपने यहाँ पर दूसरे कार्बन को लिख लिया, अब यहाँ पर डिजिट क्या आया था, 2 आया था, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, फोर होती है, तो डिजिट यहाँ पर कितना आया, 2 आया, तो आप है ना इसके साइड में यहाँ यहाँ 2, यहाँ यहाँ 2, ऐसे आप डॉट बना लीजिए, फिर आप इसको हाइड्रोजन से अटैच कर दीजिए लाइक दिस, इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए, यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो फोर होती है, दैट इज़ अ वन, दैट इज़ अ टू, दैट इज़ अ थ्री, दैट इज़ अ फोर। ठीक है, अब
यहाँ पूरी तरह से ये सेटिस्फाइड हो चुका है, इसकी वैलेंसी जो है सेटिस्फाइड हो चुकी है। अब आप फिर से देखिए, मैंने पहले कहा था आपको कि यहाँ किसी भी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो ट्रिक आप यूज़ करेंगे लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, ये देखिए। ठीक, अब यहाँ इस कार्बन को जरा ध्यान से देखें, यहाँ लोन पेयर जीरो है, बॉन्ड पेयर देट इज अ वन देट इज अ टू, यानी कि बॉन्ड पेयर कितने हो गए, टू। डबल बॉन्ड में एक पाई और एक सिग्मा होता है, तो आपको यहाँ सिर्फ सिग्मा काउंट करना है, देट इज अ वन। टोटल कितना हुआ, थ्री। और बच्चों हाइब्रिडेशन कौन सा आ चुका है इसका, sp2, यानी कि इस कार्बन पर हाइब्रिडेशन sp2 आएगा, सिमिलरली इस कार्बन पर भी sp2 हाइब्रिडेशन ही आएगा। हमारा आखिरी एग्जाम्पल है, ये देख सकते हैं आप, C2H2, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइन यानी कि एसिटिलीन। इसमें हाइड्रोजन को देखें, यहाँ टू है, आप इसको लिखना है, फिर कार्बन का जो टू है इससे आपको डिवाइड करना है, यह आंसर कितना आया, वन। इसका मतलब होता है कि आप यहाँ दो कार्बन को लिखेंगे और यहाँ जो वन आया है दैट इज़ अ वन, इस वन को आपको साइड में से लिखना है, फिर आपको यहाँ पर हाइड्रोजन को इस तरह से आपको अटैच करना है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, फोर। देट इज़ अ वन देट इज़ अ टू देट इज़ अ थ्री देट इज़ अ फोर देट इज़ अ वन देट इज़ अ टू देट इज़ अ थ्री देट इज़ अ फोर, आप सब को इस तरह से अटैच कर दीजिए। यू नो वेरी वेल, यहाँ दो पाई होगा और एक सिग्मा होगा। ट्रिक का यूज़ करते हैं, यानी कि हम इस कार्बोरेशन निकालते हैं, तो ये देखिए, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। आप देख सकते हैं इस कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं है, ना जीरो। बॉन्ड पेयर यहाँ पर क्या है, एक ही है, और सिग्मा है यहाँ पर वन। टोटल हुआ यहाँ पर टू, और हाइब्रिडेशन आ गया यहाँ पर sp, यानी ये देख सकते हैं आप sp। sp मतलब लीनियर ज्योमेट्री होगी, एंगल होगा इसका 120 डिग्री, और यहाँ जो sp2 है इसमें एंगल होगा 120 डिग्री, और इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल। फिर से देखिए, sp2 में ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल, एंगल होता है 120 डिग्री, और sp में ज्योमेट्री होती है लीनियर और एंगल होता है 180 डिग्री। डियर स्टूडेंट, जो भी आपने ट्रिक को देखा, इस ट्रिक से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको आएगा, बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपको ट्रिक आती है। आप 11th 12th कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कोई सा भी एग्ज़ाम होता है उसमें हाइब्रिडेशन निकालना अब आपको बहुत अच्छे से आ चुका है। ठीक है, थैंक यू।